यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। डिक्शनरी अटैक क्या होता है, क्रिप्टो एनालिसिस अटैक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम प्रैक्टिकली जानेंगे। होप सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप शुरू से एंड तक पूरा देखिए। इन सब के अलावा जो लोग एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, पेंट्रेशन टेस्टिंग, फोरेंसिक में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एथिकल हैकिंग और इनसे जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आज का वीडियो हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं, उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जिसका नाम है कैन एनेबल। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिकली हम इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैन एनेबल का जो सॉफ्टवेयर से मैंने चला लिया है यहाँ पे। आफ्टर द बिगिनिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना होगा क्रैकर्स, ये जो इमेज दी हुई है क्रैकर, यहाँ आपको जाना होगा। मैं इसमें से पुरानी वाली फाइल्स हैं उन्हें हटा देता हूँ। क्रैकर्स पे जाने के बाद आप देखेंगे ये जो प्लस साइन है ये एक्टिवेट आपको नहीं मिलेगा। अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं मिल रहा है तो आपको खाली जो एरिया है यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्लिक करना है प्लस जो साइन है इस पे। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं इम्पोर्ट हैशेस फ्रॉम लोकल सिस्टम। इसका मतलब है कि लोकल सिस्टम यानी कि जो सिस्टम आप चला रहे हैं उनके अंदर पासवर्ड की जो वैल्यूज़ हैं हैशेस के रूप में स्टोर्ड होंगी, तो वहाँ से आप उन फाइल्स को लेकर आ सकते हैं अपनी जो मेन ये जो है सॉफ्टवेयर इसके अंदर। तो इम्पोर्ट आपको करना है इम्पोर्ट हैशेस फ्रॉम लोकल सिस्टम। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड की जो हिस्ट्री है वो भी आ जाए, तो आप इंक्लूड पासवर्ड हिस्ट्री भी यहाँ पे कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि जो जो अकाउंट्स यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर बने हुए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इससे सिस्टम के अंदर बने हुए जो पासवर्ड्स हैं वो हैश के रूप में आप गेन कर सकते हैं। कई बार वर्क प्लेस या कई ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे आपको पासवर्ड्स के बारे में नहीं पता होता है, या पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं चलाने के बाद या रनिंग में था सिस्टम, उस सिचुएशन में आप इसकी मदद से उन्हें कैप्चर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट टाइम कई और चीज़ों के बारे में आपको बताया गया, लाइक LMMD5 हैश वैल्यूज़ वगैरह वो क्या होती हैं, तो उन्हें किस तरह से प्लेन टेक्स्ट में कैप्चर किया जाता है, ब्रूट फोर्स अटैक है या डिक्शनरी अटैक है वो कैसे किए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज आप इसमें प्रैक्टिकली जानेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो LM पासवर्ड है यहाँ पे वो हमें दिखा रहा है, और क्वालिटी प्लस ये भी एम्प्टी दिखा रहा है, यानी कि इसका जो पासवर्ड है वो हमें अभी तक मिला नहीं है। अगर हमें पासवर्ड चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स चलिए इसमें से मैं एक यूज़र ले लेता हूँ, और यहाँ हम देखेंगे NTLM या LM, इसमें आपको क्लिक करना है राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। डिक्शनरी अटैक है, ब्रूट फोर्स अटैक है, एंड क्रिप्टो एनालिसिस अटैक है। ये अलग अलग तरह के अटैक्स हैं फ्रेंड्स, जिनकी मदद से इन हैशेस के अंदर जो छुपा हुआ पासवर्ड है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे LM हैशेस, तो मैंने डिक्शनरी पे जाके LM हैशेस कर दिया। फ्रेंड्स, डिक्शनरी अटैक का मतलब क्या है, ब्रूट फोर्स क्या है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो आप लास्ट का वीडियो देख सकते हैं उसके लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, आपको कई बार फाइल्स नहीं मिलती हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई भी फाइल ना मिले तो आपको राइट क्लिक करना है, ऐड टू लिस्ट पे जाना है, और आप देखेंगे कि कैन सॉफ्टवेयर के अंदर वर्ड लिस्ट नाम से एक फोल्डर होता है, उसी के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी जिसका नाम है वर्ड लिस्ट। तो आपको ये फाइल ओपन करनी है। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, ये जो वर्ड लिस्ट है इसमें ना पहले से स्टोर्ड पासवर्ड्स होते हैं, यानी कि डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स हैं या एक गैसिंग पासवर्ड्स जिन्हें ज़्यादातर लोग रखते हैं, लाइक एडमिन है, पासवर्ड, इस तरह के वर्ड्स इसमें होते हैं बहुत सारे। तो वो फाइल है पूरी, ये फाइल बनाई कैसे जाती है, रेनबो टेबल किस तरह से बनाई जाती है, कहाँ से ले सकते हैं, उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका रेस्पॉन्स रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी क्रिएट कर दूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ से वर्ड लिस्ट को कैप्चर कर लिया है, और अब हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे अटैक स्टॉप, और कोई भी आपको पासवर्ड नहीं मिला है। ओके, तो फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया डिक्शनरी में, हम दोबारा गए LM हैशेस प्लस चैलेंज पे, उसके बाद फिर मैंने इसे स्टार्ट कर दिया, और आप देखेंगे अब की बार भी कोई पासवर्ड हमें नहीं मिला है। फ्रेंड्स, ये अलग अलग टेक्निक हैं जिनकी मदद से हम इसे क्रैक करके देखेंगे। अब NTLM पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद स्टार्ट कर दिया, और आफ्टर देन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स NTLM पे जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ इसका जो पासवर्ड है ये आ चुका है, और आप देख सकते हैं 1 हैश क्रैक्ड, यानी कि हैश की जो वैल्यू थी वो क्रैक हो चुकी है। तो इसका पासवर्ड जो है वो है अबेकस, और हैश वैल्यू जो है इसकी वो है ये। तो फ्रेंड्स, इस तरह से
अलग अलग तरह के जो अटैक्स हैं वो किए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एंटी पासवर्ड आपको यहाँ पे शो कर रहा है अबेकस, यानी कि इस यूज़र का जो पासवर्ड है वो ओपन हो चुका है, गेस्ट ऑलरेडी ओपन है, अब रह गया क्वालिटी प्लस और एडमिनिस्ट्रेटर, जो ये पासवर्ड है इन्हें भी आप सेम इसी प्रोसेस से क्रैक करके देख सकते हैं। तो जैसे कि हम क्वालिटी प्लस पे गए, मैंने यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक किया है, NTLM हैशेस प्लस चैलेंज, आपको जो भी सही लगे इनमें से आपको क्लिक करना है और उसके बाद स्टार्ट करना है। एक बार में ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि ऐसा हो, आप अलग अलग वैल्यूज़ को यहाँ से चेंज करके भी इस तरह की जो प्रोसेस है उसे अंजाम दे सकते हैं और सिस्टम्स के अंदर जो सेफ पासवर्ड्स हैं उन्हें, क्योंकि मैंने इसके अंदर थोड़ा हैवी पासवर्ड लगाया हुआ है तो मैं उसकी स्ट्रेंथ भी आपको चेक करा देता हूँ। आप देखिए जैसे मैंने NTLM हैश पे क्लिक किया और उसके बाद मैंने इसे स्टार्ट कर दिया, आप यहाँ पे देखेंगे इसका टाइम लेफ्ट देखिए, क्योंकि वो हैवी पासवर्ड था उसे क्लियर करने में लगभग कितना टाइमिंग आप दिखा रहा है, ये ईयर्स में आपको टाइमिंग दिखा रहा है, तो ईयर्स तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो उसे क्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स अभी ये बहुत टाइम लगेगा तो इसे हटा देते हैं, हम थोड़ा एग्जिट कर देते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिक्शनरी है, ब्रूट फोर्स अटैक है, क्रिप्टो एनालिसिस अटैक है, इसमें अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा रेनबो टेबल। तो रेनबो टेबल क्या है, वर्ड लिस्ट कैसे बनाते, इफेक्टिव वर्ड लिस्ट यानी कि पासवर्ड गैसिंग जो लिस्ट है वो किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। होप सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया, इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तब तक के लिए फ्रेंड्स देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर सीन एथिकल हैकिंग। थैंक यू, गुड बाय।